धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। नमस्कार, आप देख रहे हो आप ही का चैनल YouTube रतनगढ़ धार्मिक। मैं रतन वर्मा। देखो, हमेशा धार्मिक कार्यक्रम दिखाता हूँ और इस बार मैंने 7 दिनों की भागवत गीता का कार्यक्रम मैंने आपको दिखाया और सदा मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं जहां भी जाऊं आप सब भक्तों को धार्मिक कार्यक्रम दिखाऊं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो यहाँ जो मैंने कथा देखी मुझे बहुत आनंद आया, 7 दिनों की कथा देखी मुझे बहुत ही आनंद आया। तो कुछ मेरे साथ बहनें यहाँ बैठी है तो मेरे मन के अंदर कुछ रुचिकर सवाल है, मेरी इच्छा हो रही है कि इन बहनों का भी मान सम्मान किया जाए। देखो, ये जो दरबार है, दरबार के अंदर सभी के तो मान सम्मान करना ऐसा नहीं हो सकता कि सभी का मान सम्मान किया जाए, लेकिन महर्षि परिवार की तरफ से 6 औरतों का यानी 6 बहनों का स्वागत और यहाँ ये रतनगढ़ धार्मिक चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो मेरे मन के अंदर कुछ जिज्ञासा है प्रश्नों के, तो मैं किसी एक बहन से एक प्रश्न पूछता हूँ कि दीदी नमस्ते। पहले दीदी, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक में। मेरा छोटा चैनल है रतनगढ़ धार्मिक, मैं हमेशा इस चैनल पर धार्मिक कार्यक्रम दिखाता हूँ। तो आपका पहले शुभ नाम बताइए। आरती शर्मा। आरती शर्मा, कहाँ से आए आप? मैं यहीं से रतनगढ़ से। हाँ। तो कोई सर्विस करते हो घरेलू? नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। तो आपने 7 दिनों की जो कथा सुनी, 7 दिन लगातार रहे आप? हाँ। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। देखो, मेरे मन में एक प्रश्न है छोटा सा, आप 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो? क्यों, ये बच्चा कैमरा ले रखा है, थोड़ा सीधे रखना बेटे कैमरा। तो ऐसे है ना कि मेरे मन में छोटा सा प्रश्न है, अभी आपका मान सम्मान करेंगे महर्षि परिवार की तरफ से। 7 दिनों की आपने कथा सुनी है, आप बता सकते हो कि कथा बच्चे का नाम क्या है? श्रीमान जी ओम प्रकाश जी महर्षि, सॉरी, जय प्रकाश जी शास्त्री। जय प्रकाश शास्त्री। देखो, बिल्कुल सत्य, इन्होंने सही जवाब दिया है, आचार्य श्री जय प्रकाश जी शास्त्री जी रतनगढ़ वाले। ठीक जी, और जिन्होंने ये जो कथा करवाई है वो आयोजक, उनका नाम? ओम प्रकाश जी महर्षि। ओम प्रकाश जी, आपके कुछ लगते हैं? हाँ जी, मैं ताऊजी लगते हैं। ताऊजी लगते हैं। देखो, इतना बड़ा जो कार्यक्रम है हर एक के बस की बात नहीं है, ये वही व्यक्ति करा सकता है जिनके ऊपर प्रभु की अपार कृपा बरसती है। क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करवाने के लिए आपको पता, 7 दिन का कार्यक्रम, साउंड है, डीजे है, जो भी चारों तरफ बैंड बैठे हैं, सभी को नाश्ता पानी है, प्रसाद है, सभी को सब प्रकार का जो आपको पता है व्यवस्था करनी पड़ती है, ये हरेक के बस की बात नहीं। ये प्रभु की जो अपार कृपा होती है जब ऐसा कार्यक्रम कराया जाता है। तो आपने जो 7 दिन की कथा सुनी है उसके अंदर सबसे अच्छा प्रसंग आप बता सकते हो कौन सा लगा आपको? मुझे सबसे अच्छा प्रसंग कृष्ण जन्माष्टमी का लगा। हाँ, कृष्ण का जन्मोत्सव आता वो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कृष्ण जन्मोत्सव का आपको, और झांकी आपको कौन सी अच्छी लगी? जाके वही सबसे ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, आप अपने मन से कोई ऐसा भाव बता सकते हो कि आपने 7 दिनों जो कथा दो जो आपने सुनी है उसके अंदर आपने जयप्रकाश शास्त्री जी ने जो बातें कही है या भगवान ने भागवत गीता के माध्यम से जो कही है, आपने ऐसा क्या ग्रहण किया जो आपको अच्छा लगे, बता सकते हो? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले आप कर्म करो। अच्छा। और भगवान आपकी हमेशा सहायता करेगा। वाह जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी भक्त इस वीडियो देखेंगे बहुत पसंद करेंगे इस आपके जवाब को। तो आपका स्वागत करते हैं ये महर्षि परिवार जी, आपके पति का नाम क्या जी? ताराचंद जी। ताराचंद जी महर्षि जी की पत्नी, जो इनका स्वागत कर रही है। एक बार बच्चों ताली बजाना थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दीदी, आपने इतना समय दिया रतन धार्मिक चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो एक करते हैं, देखो छोटा चैनल है, आपने कथा 7 दिन सुनी, पक्की बात है, कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो यहाँ के जो जिन्होंने आयोजक, बता सकते हैं उनका नाम क्या है? जी हाँ, हाँ। जिन्होंने कथा वाचक है वो जयप्रकाश जी शास्त्री जी है। जिन्होंने आयोजक, जिन्होंने कथा करवाई है वो ओम प्रकाश जी महर्षि है। ओम प्रकाश जी महर्षि जी। हाँ, कथा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। और कथा का वाचक क्या नाम है? कथावाचक का जयप्रकाश जी शास्त्री जी। जो ये कहाँ के बता सकते हो? जी हाँ, रतनगढ़ के। अच्छा, 7 दिनों की कथा के अंदर सबसे बढ़िया झांकी आपको कौन सी लगी? मेरे को सबसे अच्छी झांकी जो गोवर्धन पर्वत की हुई थी ना। अच्छा, वो वाली। हाँ। सबसे बढ़िया झांकी लगी। आप बता सकते हैं इसके अंदर जो मेकअप जो किया था किन्होंने किया था जी? नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है? जरूर बताऊंगा आपको। जी, मेरे को नाम पता है। नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, ये बता सकते हैं, वो ना डीडवाना के रहने वाले हैं। अच्छा। और मतलब उनका नाम मेरे को याद है फिर भी मैं भूल। कैसा लगा मेकअप, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एकदम नेचुरल मेकअप, बढ़िया मेकअप लगा ना। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने 7 दिनों की कथा के अंदर ऐसा क्या ग्रहण किया कथा के माध्यम से जो आपको अच्छा लगे, बता सकते हो? जी हाँ जी, मैं ये कहती हूँ
कथा में जिन्होंने मतलब महाराज जी ने ये बताया कि अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो, वो अगली चिंता भगवान को ही रहेगी कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमें सतमार्ग की ओर ही ले जाएंगे ना कि कोई गलत रास्ता दिखाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छी बात, देखो सारे प्रश्न आपके सही है, अच्छे अच्छे जवाब आपने दिए, तो महर्षि परिवार की तरफ से आपका भी स्वागत किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत किया। दीदी नमस्ते। देखो हाँ दीदी, छोटा सा चैनल है मेरा रतनगढ़ धार्मिक, सभी को बताता हूँ मैं चैनल छोटा सा है और हमेशा धार्मिक कार्यक्रम दिखाता हूँ, और मैं सात दिनों से लगभग मैं आपको देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू आ रहे हो और उम्र में बहुत ही छोटे बच्चे हुए हो अपना, तो आपने ये कथा सुनी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। आप यहाँ की बीरणी हो आप? हाँ। कहाँ के हो वैसे? दीनदयाल जी मैट से। नहीं वैसे कौन से गांव से हो? कौन से? रतनगढ़ से। आपका डूंगरगढ़ है वैसे? अच्छा पियर आप डूंगरगढ़, यहाँ ससुराल है, वही पूछ रहा हूँ। देखो आपने जो सात दिनों की कथा आपने देखी है सुनी है, इसके अंदर सबसे अच्छा प्रसंग आपको कौन सा लगा? मेरे को तो यही अच्छा लगा कृष्ण जन्माष्टमी का था, वो कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बढ़िया लगा आपको? हाँ वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा बढ़िया लगा आपको है। और जानकी सबसे बढ़िया कौन सी लगी आपको? जानकी भी मेरे को वही लगी, वही लगी। अच्छा जिन्होंने मेकअप किया है वो बता सकते हो, उनका नाम बता सकते हो आप? नाम नहीं पता, नहीं पता। अच्छा जिन्होंने ये कथा करवाई उनका नाम बता सकते हो आप? ओम प्रकाश जी। अच्छा कथावाचक का नाम? जय प्रकाश जी। देखो सबको पता है बाबू, थोड़ा इसके ऊपर बटन को आता, सबको पता लग गया अभी कथा, सबको पता लग गया कि जय प्रकाश जी शास्त्री जी जिन्होंने ये कथा कही थी सभी को पता है ये, क्योंकि ये कथा इन्होंने बहुत ही भाव से कथा कही है, इन सभी को ये कथा बहुत ही पसंद आई है। तो दीदी आपका मैं स्वागत करता हूँ चैनल के माध्यम से, तो ये महर्षि परिवार की तरफ से आपका स्वागत किया जा रहा है, तो आप इनका धन्यवाद कीजिए आप। थैंक यू। और इनको ये कहिए कि दोबारा जीवन में फिर एक बार फिर से कथा करवाई। तो आपको शायद वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर इस प्रकार की और अगर आपको कार्यक्रम देखने तो हमारे चैनल को भी तुरंत शेयर कीजिए और कार्यक्रम सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। तो एक दीदी हमारे साथ हो रहे हैं, दीदी नमस्ते। तो मैं आपको भी देख रहा हूँ कई दिनों से आप कथा के अंदर आ रहे हो, कैसी लगी आपको कथा? बहुत अच्छी। देखो ये कॉमन प्रश्न है, मैं सभी से पूछ रहा हूँ कैसी लग रही है, सभी नेचुरल कहेंगे अच्छी लग रही है। तो सबसे बढ़िया बात मैं पूछना चाहता हूँ कि सात दिनों की कथा के अंदर आपने जो जयप्रकाश जी शास्त्री जी ने जो कथा कही है, जो भागवत कथा कही है, उनके हिसाब से आपने ऐसी क्या बात ग्रहण की है जो आपके जीवन में काम आए, बता सकते हो आप? कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे पुण्य का काम है, वही है। मतलब निचोड़िए निकाला आपने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव ऊपर उपारा। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कथा वाचक उनका नाम जानते हो? हाँ जयप्रकाश जी शास्त्री। कहाँ के हैं ये? ये रतनगढ़ की। अच्छा और कथा जिन्होंने आयोजक किए यहाँ के कौन है बता सकते हो आप? हाँ वो मेरे काका ससुर जी है। हाँ, उनका तो क्या नाम जानते हो, क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। मैं ओम प्रकाश जी। और ये छोटे लड़के उनका जो उन्होंने बहुत साथ दिया है, क्या नाम? ताराचंद जी और विकास जी। विकास जी। तो आपका मतलब क्या है कि आपका इस हमारे चैनल के अंदर मैं स्वागत करता हूँ और दीदी से प्रार्थना करता हूँ, दीदी इनका आप स्वागत कीजिए आप। देखो महर्षि परिवार इनका स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे पास छह माला थी, मेरे पांच हो गई है ना, तो अब हमारे साथ देखो महर्षि परिवार की बहू हमारे साथ है, सात दिनों से कंटिन्यू कथा देख रहे हैं, मैंने देखा कि इन्होंने खूब नृत्य किया, इन्होंने खूब नृत्य किया। ये इस प्रकार से नृत्य कर रहे थे, इनको ये पता नहीं था अभी मेरे को सिर्फ भगवान देख रहे हैं बस, इन्होंने इसी प्रकार से नृत्य आप कर रहे थे, बड़े मन से कर रहे थे। तो आपको कथा कैसी लगी? कथा का बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। हाँ जी। कथा वाचक का नाम? जय प्रकाश जी। जानकी कौन सी अच्छी लगी आपको? जानकी मेरे को सबसे अच्छी कृष्ण सुदामा की लगी। कृष्ण सुदामा की आज वाली क्योंकि क्यों? उसमें एक दोस्ती का प्रतीक है। अच्छा अच्छा। कि कैसे मित्र का साथ निभाता है, गरीब हो या अमीर हो वो कुछ नहीं देखा जाता। बहुत बढ़िया। देखो दीदी ने कितनी अच्छी बात की कि आज की जो जानकी थी कृष्ण सुदामा की, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोस्ती होती है, इनको सबसे अच्छी झांकी वो लगी। और मेकअप कैसा लगा आपको? मेकअप बहुत सबसे ज्यादा मेकअप सबसे लगा। तो मेकअप मैन का नाम है आपको बता दूं, भवानी सिंह जी काकड़ा, डीडवाना के।
उनके द्वारा ये मतलब पूर्ण संपूर्ण झांकी इंद्र उनका मेकअप, जो बच्चों का जो मेकअप किया था भवानी शंकर जी काकड़ा जो डुंगरड़ के हैं, हाँ उन्होंने मतलब के ये मेकअप किया था। बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं, और रतनगढ़ धार्मिक चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साधियों की कथा के अंदर कुछ ऐसा आपको कोई प्रसंग कोई और अच्छा लगा, कोई बता सके और कोई? हाँ, जैसे कृष्ण जन्म का प्रसंग अच्छा था। अच्छा। और जैसे वो वासुदेव जी वाला वो भी अच्छा था। अच्छा, तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने तो हमारे वीडियो के लिए प्रमोट के लिए इतना ये वीडियो बनाया था, और मैं सभी से निवेदन करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर अवश्य करें। और आपकी देखो आपका स्वागत करें, क्या नाम होगा? विनीता दीदी आपका स्वागत कर रहे हैं। देखो हाँ आपको सभी YouTube में देखेंगे, आपको एक बार दीदी का जोरदार ताली से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमारे को इतना समय दिया। दीदी आप आइए के माध्यम से आपका ये ओम प्रकाश जी महर्षि जी की तरफ से आप सभी का ये हम स्वागत कर रहे हैं आपका, ठीक है जी? उनके माध्यम से आपका स्वागत किया। मेरे मन में कुछ प्रश्नों की जिज्ञासा थी, वो मैंने पूछा, मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी चैनल देखो, पता है मेरे चैनल का नाम क्या है? धार्मिक रतनगढ़ धार्मिक। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल एक बार लड्डू गोपाल के दर्शन करवा दो दीदी, इन्होंने बहुत डांस किया था और नृत्य किया था। दीदी नमस्ते, माला हमारे पास खत्म हो गई है, बिल्कुल एक भी नहीं है, आपको तो ये उतार के पहना दो और तो क्या है। तो आपने खूब नृत्य किया, कैसा लगा आपको? आप यहीं से हो? आप बेटी हूँ, इनकी बेटी हूँ की, और बहू कहाँ की हो आप? रतनगढ़ की। वो भी रतनगढ़ की बेटी है, रतनगढ़ की। वाह वाह, क्या नाम आपका? रेखा। ओम जी मैसेज। अच्छा, ओम प्रकाश जी लड़की हो आप? वाह वाह, देखो कितना भाग्यशाली हम के ओम प्रकाश जी मैसेज लड़की हमारे साथ हैं। दीदी आप बताइए कि आपको कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लो इनका स्वागत कीजिए आप। देखो आप, देखो इन्होंने बिल्कुल इस भाव से मतलब क्या नृत्य किया था। तो धन्यवाद। आपको चैनल कैसा लगा, कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताना, और जब भी आप कार्यक्रम देखो तो आप कमेंट्स जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा। मैं ऐसे प्रयत्न करता रहता हूँ कि बहनों से बातें करूं। धन्यवाद।